हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म यानी पाचन तंत्र, पोषण एवं चयापचय से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसा कि दोस्तों आपके बीपीएससी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम जल्द से जल्द होने वाला है, जैसा कि नोटिफिकेशन जल्द से जारी होने वाला है, आपके पास टाइम नहीं है। इस सबको देखते हुए मैं चैप्टर वाइज सभी टॉपिक का एमसीक्यू के माध्यम से आप सबको रिवीजन करा रही हूँ। आप सब डेली बेसिस से मेरे साथ बने रहिए, डेली बेसिस से रिवीजन कीजिए एंड सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। ये केवल बीपीएससी 2023 टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए ही नहीं है, अदरवाइज सभी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी कंपटीशन एग्जाम वाले इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं, डेली बेसिस से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी के यकृत में संचित ग्लाइकोजन की मात्रा होती है, जैसे कि जो हम ग्लूकोज लेते हैं, जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वो हमारे शरीर में जाकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के तब ऊर्जा देता है। लेकिन जितना हमको जिस समय ऊर्जा आवश्यकता होती है उतना ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ऊर्जा देता है, और जो बचा हुआ होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है यकृत यानी कि लीवर एंड मसल्स में, मांसपेशियों में। तो द अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन द लीवर ऑफ एन एथलीट इज, तो एक खिलाड़ी के यकृत में संचित ग्लाइकोजन की मात्रा कितनी होती है, तो मसल्स में एकत्रित होती है और लीवर में। याद रखिएगा, तो जो यकृत यानी कि लीवर में संचित होती है ग्लाइकोजन की मात्रा उसकी कितनी होती है, 70 से 100 ग्राम। ठीक है, कितना होता है 70 से 100 ग्राम। एंड मनुष्य में सर्वाधिक ग्लाइकोजन कंकाल मांसपेशियों यानी कि स्केलेटल मसल्स में स्टोर होता है, जैसे कि 500 ग्राम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन के भंडार हेतु उत्तरदायी अंग है, जैसा कि मैंने अभी बताया, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग ग्लाइकोजन, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है ग्लाइकोजन के स्टोर के लिए, तो लीवर एंड मसल्स है। यहां पे मसल्स नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, लीवर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कैल्शियम की प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन है, विच ऑफ दीज इज द बेस्ट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग कैल्शियम, तो कैल्शियम के लिए सबसे अच्छा स्रोत है दूध यानी मिल्क। दूध जो है कैल्शियम का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसे प्रति 100 ग्राम दूध में 12% राइबोफ्लेविन एंड यानी कि विटामिन बी टू, 18% B12, 11% तक कैल्शियम पाया जाता है। भोजन में कैल्शियम की कमी के कारण उपापचयी क्रिया प्रभावित होती है। कैल्शियम हमारे दांतों और हड्डियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमारी हड्डियाँ और दांतें मजबूत रहती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों को नमक अधिक लेना चाहिए क्योंकि, दोस्तों खिलाड़ियों को नमक अधिक क्यों लेना चाहिए, प्लेयर्स शुड टेक मोर सॉल्ट बिकॉज, तो क्योंकि पसीना निकलने की वजह से शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाती है, यानी खिलाड़ियों को नमक अधिक लेना चाहिए क्योंकि खेलते समय शरीर से पसीना निकलने के कारण शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाती है। शरीर में नमक की मात्रा अन्य लवणों की अपेक्षा अधिक होती है, यह शरीर के प्रत्येक ऊतक में यानी टिश्यूज में रहकर उनकी क्रियाओं को सुचारू बनाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप शराब पीते हैं उसका लगभग 10 से 15% आपके निन्न में से किसमें अवशोषित होता है, वेन यू ड्रिंक एल्कोहल अबाउट 10 to 15% ऑफ इट इज एब्जॉर्ब इन टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो 10 से 15% शराब का जो अब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, कहाँ पे होता है, जैसे कि दोस्तों जो हमारे भोजन का पाचन होता है मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद अमाशय में पेप्सिन रेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज पाचन करता है, फिर छोटी आंत में होता है, तो भोजन का पूर्ण पाचन या पूर्ण अवशोषण होता है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट आपको ध्यान रखना है कि जो एल्कोहल होता है एंड औषधि होता है, इन सब का अवशोषण होता है स्टोमच यानी कि आमाशय में, कहाँ पे होता है, स्टोमच यानी कि आमाशय में, यानी स्टोमच आपका राइट आंसर होगा, पेट में। तो याद रखिएगा, एल्कोहल
एंड जो औषधियाँ होती हैं उसका अवशोषण होता है अमाशय में, और संपूर्ण पाचन और अवशोषण होता है छोटी आंत में, एंड खनिज लवण जल नमक का अवशोषण होता है आपका बड़ी आंत में, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के पाचन तंत्र में अपेंडिक्स सहायक है। अपेंडिक्स इज हेल्पफुल इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। दोस्तों अपेंडिक्स जो है बड़ी आंत छोटी आंत जहां पे मिलता है, जो बड़ी आंत के तीन भाग होते हैं सीकम कोलन मलाशय, तो सीकम के साथ पूंछ के समान दिखता है वो अपेंडिक्स होता है, जो पहले होता था सेलुलेज के पाचन में सहायक होता था, बट अब नहीं होता है, ये गायब हो चुका है। तो यहाँ पे पाचन क्रिया में सहायक ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जबकि यहाँ पे ऑप्शन यदि रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं सही होगा, क्योंकि अब ये पाचन में कोई सहायता नहीं करता, या अब ये है ही नहीं, और जब था तो ये करता था, यानी कि अपेंडिक्स क्या करता था, उदर के नीचे दाएं तरफ छोटी पाउच जैसा था जहाँ छोटी आंत से बड़ी आंत मिलती है, यह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी जीवाणुओं का संरक्षण करता है और पाचन क्रिया में सहायक होता है। कभी कभी यह इनफ्लेमेड या संक्रमित हो जाती है, ऐसी अवस्था को एपेंडिसाइटिस भी कहते हैं। अगर ऐसी हालत में सर्जरी या अन्य उपचार पद्धति से ठीक किया न किया जाए तो अपेंडिक्स फट सकता है, जिसे संक्रमण हो सकता है। एंड नेक्स्ट है, अमाशय से निम्न में से कौन सा रस स्रावित होता है। Which of the following juice is secreted from the stomach? तो दोस्तों अमाशय से पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड HCl, जो अमाशय होता है उसमें जठर रस होता है, जठर रस से जठर ग्रंथि होता है, जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होता है। जठर रस में कौन कौन से चीजें होती है, HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एंड पेप्सिन होता है जो प्रोटीन को पेप्टोन बदलकर प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन होता है जो दूध का पाचन करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है जो वसा का पाचन करता है, HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अम्ल होता है जो हमारे भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और भोजन को मथने का काम करता है, लुगदी बना देता है। तो यहाँ पे अमाशय से निम्न में से कौन सा रस स्रावित होता है, तो यहाँ पे HCl हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा, ट्रिप्सिन नहीं होगा, क्योंकि एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन ये अग्नाशय से स्रावित होता है, जाकर के छोटी आंत में भोजन का पाचन करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा HCl एंड पेप्सिन। तो कौन सा राइट आंसर होगा, HCl एंड पेप्सिन। यहाँ पे HCl एंड पेप्सिन दोनों होगा दोस्तों, यहाँ पे HCl एंड पेप्सिन ए और बी दोनों आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टिएशन या लाइपेज वसा को ग्लिसरीन के रूप में कहाँ पर परिवर्तित किया जाता है। वेयर इज स्टिएशन एयर और लाइपेज कन्वर्टिंग फैट इनटू ग्लिसरॉल। तो जो वसा होता है हमारे शरीर में जा करके फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है, तो जो हमारे अग्नाशय यानी पैंक्रियाज होता है वहाँ से स्राव होता है एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन। जो एमाइलेज होता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, लाइपेज जो होता है वह पित्त रस के साथ मिल करके वसा का पाचन करता है, और जो ट्रिप्सिन होता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है। तो जो अग्नाशय से एमाइलेज लाइपेज एंड ट्रिप्सिन निकलता है उसकी नली जुड़ी होती है छोटी आंत के प्रथम भाग डोडिनम में, और पित्ताशय की नली जुड़ी होती है छोटी आंत के डोडिनम पहले भाग में। तो इन दोनों की नलियां जुड़ी होती हैं, तो अग्नाशय रस और पित्त रस आकर के छोटी आंत के प्रथम भाग डोडिनम में मिलता है, जहाँ पे लाइपेज जो है वसा को ग्लिसरीन में बदलता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत में, क्या इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे डोडिनम होता है तो डोडिनम राइट होगा, छोटी आंत का पहला भाग, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइलिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है। इन व्हाट इज द एंजाइम कॉल्ड टाइलिन फाउंड। यहाँ पे राइट आंसर होगा लार, यानी कि इन द सलाइवा, यानी कि लार में पाया जाता है। टाइलिन किसमें पाया जाता है, हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है तीन जोड़ी, पैरोटिड ग्लैंड,
सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल ग्लैंड होता है, तीन तीन जोड़ी दोनों तरफ होता है, जिससे लार स्रावित होता है, जिसमें टैलिन नामक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट यानी मांड अथवा स्टार्च पर अभिक्रिया करके माल्टोज में बदल देता है, यानी कि जो भोजन का पाचन शुरू होता है हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। इस प्रकार टैलिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, लार में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन्डिस रोग यानी पीलिया जिसे हेपेटाइटिस भी कहते हैं, जॉन्डिस रोग निम्न में से कौन सर्वाधिक लाभकारी है, जॉन्डिस रोग में निम्न में से कौन सर्वाधिक लाभकारी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेनिफिशियल इन जॉन्डिस, तो मोस्ट बेनिफिशियल क्या है जॉन्डिस के लिए, वो है गन्ना। ठीक है, गन्ना, गन्ना जो है पीलिया रोग के रोगी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाभकारी है, और यह हमारे लीवर को प्रभावित करता है, किसको, लीवर को। एंड नेक्स्ट है, स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत है, यानी कि स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का, जो कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च पॉलीसैकेराइड में आता है, तो स्टार्च का सबसे उत्तम स्रोत होता है आपका गेहूं। द बेस्ट सोर्स ऑफ स्टार्च कौन होता है, तो वीट यानी कि गेहूं। यानी कि स्टार्च जटिल कार्बोहाइड्रेट है, यह ग्लूकोज अणु का बहुलक है, यानी कि ग्लूकोज के दो से ज्यादा अणुओं से मिलकर बना होता है, इनमें चीनी के कई किस्म के अणु रासायनिक तौर पर मिले होते हैं, ये डबल रोटी, अनाज, गेहूं, बाजरा, चावल, स्टार्च वाली सब्जियों व दालों, सभी दालों, चना, मूंग, राजमा आदि में मिलते हैं। इसका बुनियादी कार्य शरीर खास तौर पर दिमाग की तंतु प्रणाली को ऊर्जा या ताकत प्रदान करना होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि को व्यक्त करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सप्रेसेस ग्रोथ, तो ग्रोथ को कौन एक्सप्रेस कर रहा है, इसमें जो ग्रोथ होता है, वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले वीडियो में आप देखे होंगे, जो ग्रोथ होता है आकार आकृति में उसमें परिवर्तन होता है, यानी उसका वेट, उसका लंबाई में परिवर्तन होता है, एक निश्चित समय तक होता है ग्रोथ, और डेवलपमेंट जो होता है जीवन प्रयत्न चलता रहता है जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, तो जो ग्रोथ होता है वो परिमाणात्मक होता है, और जो डेवलपमेंट होता है परिमाणात्मक गुणात्मक दोनों होता है, तो यहाँ पे आंसर नंबर बी, लंबाई एंड वजन में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन हाइट एंड वेट आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट है, लोहे से क्या निर्मित किया जाता है जिसे हम आहार से प्राप्त करते हैं, What is made from iron which we get from diet? यानी लोहे से क्या निर्मित किया जाता है जिसे हम आहार से प्राप्त करते हैं, तो दोस्तों लोहे से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, किसका, हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, लोहे यानी आयरन से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करता है, यानी ऑक्सीजन को ले करके समस्त कोशिकाओं तक शरीर के ले जाता है, जहाँ पे माइटोकांड्रिया में जा करके ग्लूकोज का ऊर्जा में परिवर्तित करता है, एटीपी बनाता है, जो एटीपी हम जो कार्य करते हैं उस समय ऊर्जा जो हम खर्च करते हैं एटीपी के रूप में खर्च करते हैं। तो दोस्तों यह एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml में 15 ग्राम होता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एनीमिया, तो एनीमिया का मुख्य घटक इनमें से कौन है, एनीमिया यानी कि रक्त की कमी से होता है, तो इसका मुख्य घटक होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी के कारण होता है एनीमिया, यानी कि लोहा यानी आयरन हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए अति आवश्यक होता है, इसकी कमी के कारण रक्तहीनता हो जाता है। यह यकृत, मांस, अंडे, सूखे मेवे, पालक, केला व हरी पत्तेदार सब्जियों आदि में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, जो ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन किस खाद्य सामग्री से उपलब्ध है, आयरन किस में पाया जाता है, आयरन इज अवेलेबल इन विच फूड आइटम्स, जैसे अंडे, मांस, पनीर, हरी सब्जियां, तो ऑल ऑफ दिस यानी कि इन सभी में पाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वसा न केवल, यहाँ पे वास टाइपिंग हो गया है, ठीक है, वसा न केवल हमारे स्वाद को बढ़ाता है बल्कि हमारे किसकी रक्षा करता है। फैट नॉट ओनली इनहेंस अवर टेस्ट बट ऑल्सो प्रोटेक्ट अवर, क्या प्रोटेक्ट करता है, हमारे बाल को भी रक्षा करता है वसा यानी कि फैट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा रासायनिक रूप से लिपिड के रूप में जाना जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकली नोन एज ए लिपिड। तो रासायनिक रूप से लिपिड के रूप में जाना जाता है फैट यानी कि वसा को, जिसे सबसे सामान्य प्रकार की वास्तविक वसाएं होती हैं। वसा को हम रासायनिक रूप से क्या कहते हैं, फैट यानी कि लिपिड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा यानी स्किन। यहां पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे बड़ा अंग पूछेगा, सबसे बड़ा अंग तब स्किन होगा, सबसे बड़ी ग्रंथि होगा तब लीवर होगा, यहां पे ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, तो कौन होता है, यकृत यानी कि लीवर। अगर ये पूछेगा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, तब होगा आपका थायराइड ग्लैंड, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापे का कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी का क्या कॉज है। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा एक्सेस कैलोरी इनटेक यानी कि अतिरिक्त कैलोरी ग्रहण करना, अतिरिक्त कैलोरी, अत्यधिक कैलोरी ग्रहण करने से क्या होता है, मोटापा यानी ओबेसिटी होता है। जितना आप कार्य कर रहे हैं, जितना आप एनर्जी को खर्चा कर रहे हैं, उससे ज्यादा आप कैलोरी ले रहे हैं, तो वहां पे ओबेसिटी का कारण बन जाता है। नेक्स्ट है, मोटापे के निम्नलिखित कारण हैं, विच आर द फॉलोइंग कॉज ऑफ ओबेसिटी। यहां पे मोटापे के निम्नलिखित क्या कारण हो सकते हैं, तो यहां पे सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका होगा कम व्यय की अपेक्षा अधिक कैलोरी लेना, यानी कि कंज्यूमिंग मोर कैलोरीज देन एक्सपेंडिंग लेस। कम व्यय की अपेक्षा अधिक कैलोरी लेना, जितना आप व्यय नहीं कर रहे हैं उससे ज्यादा आप लेते जा रहे हैं, तो वो फैट के रूप में आपकी बॉडी में इकट्ठा होता रहेगा और ओबेसिटी का कारण बन जाएगा। नेक्स्ट है, वसा प्राप्ति का मुख्य साधन है, द मेन मेन्स ऑफ मेन सोर्स ऑफ अपटेनिंग फैट इज। वसा प्राप्ति का मुख्य साधन है मक्खन यानी कि बटर, मक्खन यानी कि बटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन फूड आइटम्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। तो कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, ऊर्जा प्रदान करने वाले, शरीर का निर्माण करने वाले और सुरक्षा करने वाले। ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट एंड वसा, शरीर का निर्माण करने वाले प्रोटीन और सुरक्षा करने वाले विटामिन्स एंड मिनरल्स यानी खनिज लवण आते हैं। एंड नेक्स्ट है, निम्न खाद्य पदार्थों में से किसमें कैलोरी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, विच आर द फॉलोइंग फूड्स कंटेंट्स द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज। किसमें पाया जाता है, स्किम मिल्क, मक्खन, संगमित दूध, दही, इसमें से किसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कैलोरी पाई जाती है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मक्खन। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र कृषि विभाग यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर USDA के मानक के अनुसार प्रति 100 ग्राम गाय के दूध में 42 कैलोरी, अंडे में प्रति 100 ग्राम में 115 कैलोरी, मक्खन में प्रति 100 ग्राम में 717 कैलोरी,
तथा पनीर में 402 कैलोरी पाई जाती है। अतः आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, सबसे ज्यादा कैलोरी किसमें पाई जाती है, मक्खन में। सबसे कम किसमें पाया जाता है, दूध में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कम कैलोरी प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ कौन है। तभी आप देखें, सबसे ज्यादा मक्खन हो गया प्रति 100 ग्राम में 717, और यहाँ पे राइट आंसर होगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेस्ट कैलोरी प्रोवाइडिंग फूड आइटम। सबसे कम कैलोरी प्रदान करने वाला है गाय का दूध, ठीक है, और सबसे ज्यादा कौन है, मक्खन यानी बीटर। यानी प्रति 100 ग्राम गाय के दूध में 42 कैलोरी, अंडे में 115 कैलोरी, मक्खन में 717 कैलोरी और पनीर में 402 कैलोरी। तो याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में विटामिन और मिनरल्स का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इन द बॉडी। तो शरीर में विटामिन और मिनरल्स का मुख्य कार्य क्या है, जैसे कि विटामिन जो होते हैं उसको सुरक्षात्मक भोज कहा जाता है, वृद्धि ग्रोथ फैक्टर भी बोला जाता है विटामिन को, जो सूक्ष्म मात्रा में मानव शरीर में उपस्थित होते हैं। ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं विटामिन, परंतु ऊर्जा अन्य ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज पदार्थों के निर्माण तथा उनके सही उपयोग पर नियंत्रण करते हैं, यानी उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक होता है, इसलिए इसको वृद्धि तत्व या ग्रोथ फैक्टर कहा जाता है। विटामिन जो है शरीर में ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं तो उसे यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि मेन काम क्या है, यहाँ पे संक्रमण से बचाना भी होगा, बट यहाँ पे मेन फंक्शंस बोला है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, साधारण वृद्धि विकास और उपापचय को प्राप्त करना, द एच यू नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मेटाबोलिज्म। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोवाइड बाई एनी एनर्जी। तो कोई भी एनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, कौन नहीं करता यहाँ पे, तो विटामिन एंड खनिज लवण जो है कोई भी एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता, यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, रोगों से रक्षा प्रदान करता है, इसलिए क्या करता है, शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा, विटामिन ऊर्जा नहीं करते। अन्य ईंधन पदार्थों का ऊर्जा स्रोतों के संश्लेषण और सही उपयोग के लिए आवश्यक होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन यूजक को किस कार्यकलाप में लाभकारी माना जाता है, जिसमें मुख्यतः शामिल होता है, ग्लाइकोजन यूजक एज एडिटिव एज कंसाइडरेट बेनिफिशियल इन विच एक्टिविटी विच मेन इन्वॉल्व। तो ग्लाइकोजन यूजक किस कार्यकलाप में लाभकारी माना जाता है, वो होता है एंडोरेंस यानी कि सहनशीलता। यहाँ पे दोस्तों गलत टाइपिंग हो गया है, टॉलरेंस हो गया है, एंडोरेंस होगा सहनशीलता। सहनशीलता यानी कि ज्यादा समय की क्रियाओं के लिए ग्लाइकोजन यूजक जो है लाभकारी होता है। ग्लाइकोजन योजक को प्रायः ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट लोडिंग भी कहा जाता है। यह व्यक्ति को कम थकान के साथ ऊर्जा प्रदान करता है, जो शारीरिक गतिविधियों के लिए आवश्यक होता है। यह एथलीटों के लिए सबसे लाभकारी माना जाता है। इसमें एंड्योरेंस यानी सहनशीलता शामिल होता है। यह हमारे पेशियों में स्टोर होता है ग्लाइकोजन योजक, लिया जाता है अपने खेल से कुछ समय या क्रिया से कुछ समय पहले। एंड नेक्स्ट है, एक किशोर व्यक्ति के भोजन में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का अनुपात होना चाहिए। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स इन द डाइट ऑफ ए टीनेज पर्सन। तो एक टीनेज पर्सन के लिए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट का जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए, तो 4:1:1। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 4:1:1। यानी कि हमारे शरीर के लिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है 55-60% आवश्यकता होता है, एंड जो फैट होता है वह 25-30%, एंड जो प्रोटीन होता है 15-20% आवश्यकता होता है। यानी तीनों का अनुपात होना चाहिए 4:1:1, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का होता है। यानी कि संतुलित आहार या का संबंध उन खाद्य पदार्थों से ग्रहण करने से है जो शरीर की वृद्धि और रख रखाव के लिए निश्चित मात्रा में सभी आवश्यक पोषक तत्वों को शरीर की आवश्यकता के अनुसार पूर्ति कर सके, उसी को संतुलित आहार कहते हैं। यानी संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट का अर्थ है कि भोजन के सभी समूहों से
भोजन की उचित मात्रा लेना, यानी एक भोजन में जो सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल उचित मात्रा में विद्यमान हो, उस भोजन को हम कहेंगे संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड। तो भोजन में ऊर्जा का मुख्य साधन कौन है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है वसा, बट मुख्य साधन कार्बोहाइड्रेट इसलिए है क्योंकि यह इंस्टेंट एनर्जी ऑफ सोर्स यानी तुरंत एनर्जी प्रदान करता है, जबकि वसा को एनर्जी में कन्वर्ट होने में पाचन के बाद 6 घंटा लग जाता है। यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी मिलता है, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी मिलता है, 1 ग्राम वसा यानी फैट से 9.1 कैलोरी मिलता है, यानी सबसे ज्यादा मिलता है फैट से। बट हमारा मुख्य सोर्स क्या है, हम ज्यादा क्या लेते हैं अपने बॉडी के लिए, तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है, तुरंत ऊर्जा देता है। तो दोस्तों आज के लिए ये 30 क्वेश्चंस, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और डेली बेसिस पे इसी तरह देखते रहिए, अपना सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।